डियर फ्रेंड्स नमस्कार, माय नेम इज़ डॉक्टर एस के शर्मा, आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। देखिए, पिछले कई दिनों से मेरे पास स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि सर हमें ये लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस पोएम के बारे में बता दीजिए थोड़ा सा, और ये जो है ग्रेजुएशन के कोर्स में इंग्लिश लिटरेचर बीए वाले बच्चों के लिए ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ में प्रिस्क्राइब्ड है। ओके, तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, जो भी मोटी मोटी बातें हैं, जो भी इससे रिलेटेड आपको बीए में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और इसके बारे में पोएम के बारे में जो आइडिया है, इसका बैकग्राउंड है, उसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आप बड़े ध्यान से समझिए और इस क्लास के बाद आपको लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस पोएम में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। ओके, तो देखिए, यदि हम पोएम की बात करें और आप चाहें तो साथ के साथ नोट डाउन करते जाएं, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। यदि हम इस पोएम की बात करें तो इसके राइटर का नाम है विलियम कूपर। ओके, विलियम कूपर। अब देखो, विलियम कूपर के बारे में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इसका बर्थ ईयर क्या है और डेथ ईयर क्या है। तो बर्थ ईयर है इसका 1731 और डेथ 1800। ओके, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि ये फोर रनर था ऑफ रोमांटिक एज, रोमांटिक एज का फोर रनर, रोमांटिक एज से पहले आने वाले राइटर, जो जिन्हें प्रीकर्सर ऑफ रोमांटिसिज्म कहते हैं, ठीक है ना, जिन्हें ट्रांजिशनल पोइट कहते हैं। तो आपको पहली बात ध्यान रखनी है कि ही वॉज वन ऑफ द फोर रनर्स ऑफ रोमांटिक रिवाइवल और रोमांटिक एज। ओके, नंबर वन आपको इसके बारे में ध्यान रखना है, फोर रनर, एफ ओ आर ई आर यू डबल एन ई आर, फोर रनर ऑफ रोमांटिक एज, फोर रनर ऑफ रोमांटिक एज। आपको एक तो ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात, हम इसकी पोएम पर आएँ, इससे पहले आपको थोड़ा सा विलियम कूपर के बारे में पता होना चाहिए, जिससे आप पोएम को ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सकें। ओके, नंबर वन देखिए, विलियम कूपर व्हेन ही वाज एट द एज ऑफ 6, ओके, हिज मदर डाइड व्हेन ही वाज एट द एज ऑफ 6, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो आप कह सकते हो हिज मदर डाइड व्हेन ही वाज एट द एज ऑफ 6। देखो, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा क्यों। देखो, यू फाइंड द रेफरेंस ऑफ दिस इंसिडेंट इन हिज वेरी सेलिब्रेटेड पोएम ऑन द रिसीट ऑफ माई मदर्स पिक्चर। देखो, विलियम कूपर की एक पोएम है जिसका नाम है ऑन द रिसीट ऑफ माई मदर्स पिक्चर। आपको इसमें, उस पोएम में ये रेफरेंस, और वो भी कई यूनिवर्सिटीज में प्रिस्क्राइब्ड है, तो उसकी एक पोएम है जिसका नाम है ऑन द रिसीट ऑफ माई मदर्स पिक्चर। उसकी पोईम है ऑन द रिसीट ऑफ माई मदर्स पिक्चर। ओके, उस पोईम में ये रेफरेंस भी है कि किस तरीके से जब वो 6 साल का था जब उसकी मदर मर गई। ओके, ध्यान रखना, ये जो इंसिडेंट है कि उसकी मदर कम एज में मर गई, किसी भी व्यक्ति की यदि मदर कम एज में मर जाती है तो आपको पता है कि ही सफर्ड अ लॉट, ही ट्रबल्ड अ लॉट, ठीक है ना, इसकी वजह से वो काफ़ी परेशान रहा और इसकी वजह से उसके दिमाग में एक बहुत ही गहरा इंप्रेशन था। उसकी माँ जो है एट द एज ऑफ 6 साल की का था जब वो मर गई, तो उसके दिमाग में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इंप्रेशन था। ठीक है, अभी सारी चीज़ें बैकग्राउंड बना रही हैं आपका पोएम की ओर, ध्यान रखना। अब देखिए, यदि हम बात करें इसकी, तो नेक्स्ट बात जो आपको समझनी है वो ये है कि देखो, एक बात ध्यान रखना, ही सफर्ड फ्रॉम डिप्रेशन, ही सफर्ड फ्रॉम डिप्रेशन इन हिज एडल्टहुड। जब वो एडल्ट था तो उस वक्त वो डिप्रेशन से पीड़ित हो गया। ओके, इंसैनिटी क्रिएट हो गई उसके अंदर, हल्का सा पागलपन, डिप्रेशन। अब वो डिप्रेशन में चला गया तो ही वॉज सेंट टू असाइलम, तो उसे असाइलम में भेजा गया ट्रीटमेंट के लिए, फॉर ट्रीटमेंट।
असाइलम का होता था पागलखाना जहाँ आपका ट्रीटमेंट हो, तो वहाँ भेजा गया। और फिर वहाँ से जब उसका ट्रीटमेंट हुआ तो ही मूव्ड टू, वहाँ से जाने के बाद ही मूव्ड टू ऑलनी। ये ऑलनी क्या है, देखो आपके उसकी लाइफ के बारे में देखिए, उसके 6 साल का था, उसकी उसकी मदर ख़त्म हो गई, उसके बाद जब वो एडल्टहुड में था तो वो डिप्रेशन में आ गया, इंसैनिटी आ गई उसके अंदर, पागलपन आ गया, तो इसकी वजह से उसे कहाँ जाना पड़ा, ठीक है ना, ही हैड टू गो टू असाइलम फॉर ट्रीटमेंट, उसे असाइलम में जाना पड़ा पागलखाने में ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है ना। आफ्टर द रिकवरी, जब वो थोड़ा रिकवर हुआ तो ही मूव्ड टू ऑलनी, वो एक ऑलनी नाम की जगह पर चला गया। ऑलनी इज़ अ टाउन इन बर्मिंगम इंग्लैंड, इंग्लैंड में एक टाउन का नाम है, एक शहर का नाम है, एक कस्बे का नाम है ऑलनी, तो वहाँ पर ऑलनी चला गया। फाइन, जब वो ऑलनी गया तो वहाँ पर क्या हुआ, ही केम इनटू द कॉन्टैक्ट, ही केम इनटू द कॉन्टैक्ट विथ, अब वो वहाँ पर किसके संपर्क में आया, किससे मुलाकात हुई उसकी, उसकी मुलाकात हुई जॉन न्यूटन से। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, जॉन न्यूटन, जब वो ऑलनी गया तो उसकी मीटिंग किससे हुई, ही केम इन टू द कॉन्टैक्ट, देखो मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, आप चाहो तो आराम से नोट्स बना ले अपने, ठीक है। तो वैन ही मूव टू ऑलनी, जब वो ऑलनी गया तो ही केम इन टू द कॉन्टैक्ट विथ जॉन न्यूटन, तो एक जॉन न्यूटन नाम के व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में आया। अब देखिए नेक्स्ट, आपको ये ध्यान रखना है कि जॉन न्यूटन कौन है, जॉन न्यूटन जो है एक इवेंजेलिकल क्लर्जीमन, जॉन न्यूटन जो था वो इवेंजेलिकल EVANGELICAL इवेंजेलिकल क्लर्जीमन, देखो इवेंजिकल जो होता है इवेंजेलिकल, ये एक प्रोटेस्टेंट जो होते हैं प्रोटेस्टेंट, देखो ये आप बहुत लंबी स्टोरी है, जो प्रोटेस्टेंट जो हैं, ठीक है ना, और एक कैथोलिक, दो ब्रांच हैं, ठीक है ना, मेनली क्रिश्चियन धर्म में दो ब्रांच हैं, एक है कैथोलिक और एक है प्रोटेस्टेंट, तो ये प्रोटेस्टेंट की ही ब्रांच है, इवेंजेलिक और एंग्लिकन ये सब प्रोटेस्टेंट की ब्रांच है, आप तो ये समझ लीजिए एक तरीके का ग्रुप है ये इवेंजेलिक, जो इस तरीके के क्रिश्चियंस होते हैं जो अपना कंप्लीट फेथ बाइबल में रखते हैं और गॉड में रखते हैं, उनका कंप्लीट फेथ के वॉट एवर इज रिटन इन द बाइबल इज ट्रू, जो कुछ भी बाइबल में लिखा हुआ है वो सत्य है, जो बाइबल को फॉलो करते हैं गॉड में फर्म फेथ रखते हैं, वो जो कम्युनिटी है, वो जो ग्रुप ऑफ पीपल है क्रिश्चियन धर्म का, उसे कहते हैं एवेंजेलिक क्लर्जीमैन, अभी आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो, ओके। तो ये जो एवेंजेलिक क्लर्जीमैन जो पादरी था, तो अब जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचा ऑलनी में कूपर, तो कूपर ने क्या किया, कूपर जो है इसके यहाँ पर एज अ क्यूरेट काम करने लग गया, कूपर उसके यहाँ पे क्या बन गया क्यूरेट बन गया, तो मैंने कहा ही बिकेम अ क्यूरेट एट न्यूटन्स चर्च, ही की जगह आप लिख लो ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा, कूपर लिख लेना। देखिए अब वो क्या हुआ, जॉन न्यूटन के पास गया, जॉन न्यूटन एक चर्च में प्रीस्ट था, ओके। अब वहां उसने क्या किया, वो अब ये जो क्यूरेट क्या होता है, ये जो पादरी जो होते हैं उनके असिस्टेंट होते हैं, पादरी जो होते हैं जैसे प्रीस्ट है, प्रीस्ट का असिस्टेंट, प्रीस्ट के नीचे काम करने वाला, उसके साथ काम करने वाला, तो उसे बोलते हैं क्यूरेट। तो विलियम कूपर जो है वहां पर जाकर, कूपर बिकेम अ क्यूरेट, एक असिस्टेंट बन गया एट न्यूटन्स चर्च, न्यूटन के चर्च में, जिस चर्च में न्यूटन जो था वो एक क्लर्जीमन था, एक पादरी था, मुख्य पादरी था, वहां पर उसने किसके रूप में काम करने लग गया, कूपर किसके रूप में काम करने लग गया, क्यूरेट के रूप में, ठीक है। इसका मतलब दोनों संपर्क में आ गए, दोनों की दोस्ती हो गई। अब देखो लिसन, आपको पता है कि ये जो न्यूटन है ये क्लर्जीमन है, और ये क्लर्जीमन के यहाँ काम करने लग गया, मतलब दोनों एक तरीके से रिलीजियस पीपल हो गए, फाइन। अब आगे देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आपका विलियम कूपर जब ऑलनी पहुँचा, ठीक है, तो जब उसने ऑलनी, मैंने कहा था किसका नाम है, एक शहर का नाम है,
जब ऑलनी पहुंचा तो वहां पर उसने देखा कि वहां के जो लोग थे वो बिल्कुल अनएजुकेटेड थे, नंबर वन। दूसरे पुअर थे, बहुत कम कैसे में काम करते थे, गरीब थे, उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ठीक है, वहाँ के लोग, पीपल इन ऑलनी वर पुअरली पेड एंड अनएजुकेटेड, बहुत ही कम जिनको पैसा मिले, बहुत गरीब स्थिति में थे। इवन ही डिस्क्राइब देम इन दिस फ्रेज, उसने उनका वर्णन भी किया, उनके बारे में स्टेटमेंट भी दिया है। उसने क्या कहा उनके बारे में, हाफ HALF, हाफ स्टार्व्ड, उसने कहा उनके बारे में हाफ स्टार्व्ड एंड सॉरी एंड उसने उनके बारे में कहा हाफ स्टार्व्ड, HALF, हाफ STARVED, हाफ स्टार्व्ड एंड रैगेड पीपल ऑन अर्थ। उसने कहा यहाँ के जो लोग हैं आधे भूखे, आधे भूख मरे हो रहे हैं, ठीक है ना, कंधा खाने के लिए पैसा नहीं है, एंड रैगेड, रैगेड का मतलब होता है वियरिंग टॉर्न क्लोथ्स, वियरिंग मतलब आप फटे टूटे कपड़े पहन रहे हैं, पुराने कपड़े पहन रहे हैं, जैसे चिथड़े जिसे बोलते हैं, तो वो, तो उसने उनके बारे में कहा हाफ स्टार्व्ड एंड रैगेड पीपल ऑन अर्थ, पृथ्वी पर ये ऐसे लोग हैं जिनको पूरा खाना भी नहीं मिल रहा और कपड़े कैसे पहन रहे हैं, बहुत बेकार से कपड़े पहन रहे हैं। ओके, अब लोगों यहाँ पर ये सारे रेफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पोएम की तरफ ले जाने के लिए। आपने कुछ बातें पढ़ी, वो न्यूटन के कॉन्टैक्ट में आया, न्यूटन में कॉन्टैक्ट में आने के बाद वो क्यूरेट बन गया, और फिर जब वो ऑलनी गया तो उसने वहाँ के लोग देखे तो वो बहुत दुखी हुआ। उसका स्टेटमेंट भी है, उसने उनके बारे में कहा हाफ स्टार्व्ड एंड रैगेड पीपल ऑन अर्थ। फाइन, देखो जब आप इसकी पोइम पढ़ते हैं, जब आप इसकी पोइम पढ़ेंगे लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस, तो आप इसमें ये रेफरेंस देखेंगे। देखिए आप जब इसकी पोइम पढ़ेंगे तब ये स्टेटमेंट आपके लिए पता रहेगा कि इस स्टेटमेंट का क्या महत्व है। ओके, तो हमने कहा देखो थोड़ा सा रेफरेंस देखें, 1767 में ही मूव्ड टू ऑलनी। कूपर जो है 1767 में ऑलनी आ गया। आफ्टर दैट 1773 ही रोड द पोएम, उसने कविता लिखी, कौन सी, लाइट शाइनिंग, SHINING, लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस, ये पोएम लिखी। ओके, और ये पोएम जो है 1774 में क्या हो गई, पब्लिश हो गई। सबसे पहली बार 1774 में ये पोईम पब्लिश्ड हुई। ओके, उसके बाद ये रीपब्लिश्ड हुई। अब रीपब्लिश्ड हुई वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये 1779 में रीपब्लिश्ड हुई, और इस बार जो रीपब्लिश्ड हुई वो एक बुक में रीपब्लिश हुई, और उस बुक का नाम है ऑलनी हिम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए 1767 में ही मूव टू ऑलनी, ही रोट दिस पोएम इन 1773, इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1774, इट वॉज रीपब्लिश्ड इन 1779 इन द कलेक्शन ऑफ द पोएम दैट इज ऑलनी हिम्स। देखो ऑलनी जो है उस प्लेस का नाम है, आपको पता है, ठीक है, जहां पर वो गया। हिम्स का मतलब होता है रिलीजियस पोएम्स, जिसे कहते हैं भजन। हिम्स का मतलब क्या होता है, हिम्स मीन्स रिलीजियस पोइम्स, हिम्स का मतलब क्या होता है, रिलीजियस पोइम्स। ओके, अब देखिए, अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो ऑलनी हिम्स जो है, ऑलनी हिम्स इज अ जॉइंट वर्क, ऑलनी हिम्स इज अ जॉइंट वर्क ऑफ जॉन न्यूटन एंड विलियम कूपर।
आपको ये ध्यान रखना है कि ऑर्ली हिम्स जो है जॉन न्यूटन और विलियम कूपर जो है उनका जॉइंट वर्क था। इसमें इन्होंने काफ़ी सारी रिलीजियस पोएम्स लिखी। ओके, अब ये जो ऑर्ली हिम्स जो है, ओके, जो ऑर्ली हिम्स है, इसी के अंदर आपको पता है कि आपकी पोएम लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस 1779 में पब्लिश हुई। ओके, देखिए 1779 में ये बुक आई जिसका नाम है ऑर्ली हिम्स, और आपकी जो लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस है वो इसी के अंदर पब्लिश हुई 1779 में, रीपब्लिश, दोबारा पब्लिश होना 1779 में। ठीक है, इस पोएम के अंदर या इस बुक के अंदर, ये जो ऑर्ली हिम्स जो बुक है इसके अंदर ये जो है एक्सप्रेशन है, ये पूरी की पूरी बुक जो है एक्सप्रेशन है ऑफ द फेथ ऑफ न्यूटन एंड कूपर इन गॉड। भगवान के अंदर उनका जो फेथ है, भगवान के अंदर उनकी जो आस्था है, उसकी अभिव्यक्ति है ये पूरी की पूरी बुक। इसके अंदर बहुत सारे जो है हिम्स हैं, और वो सारे के सारे जो हिम्स हैं, जो रिलीजियस पोएम हैं, वो एक्सप्रेशन है उनके विश्वास का भगवान के प्रति। ठीक है, और ये सारी की सारी पोएम जो है भगवान के लिए ही डेडिकेटेड है। इज इट क्लियर? अब देखो ऑर्ली हिम्स जो है जिसमें कि आपको पता है कि लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस भी पब्लिश हुई। ओके, तो आप जब पोएम पढ़ोगे लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस, तो उसमें एक लाइन है, और वो लाइन है यी फियर सेंट्स, ठीक है, यू यी फियर सेंट्स ड्रेड नॉट ऑफ द क्लाउड्स। ठीक है ना, वो कह रहे अरे संतो, इस तरीके की लाइन है कि आप, अरे लोगों, आप इन क्लाउड से डरे नहीं। ये क्लाउड्स जो है वो कह रहा है दीज क्लाउड्स आर बिग विथ मर्सी एंड ग्रेस, ये क्लाउड जो है मर्सी एंड ग्रेस से भरे हुए हैं, एंड विल डिसअपियर एंड टर्न इनटू रेन। ये क्या होगा, काले घनघोर बादल जो हैं वो क्या होंगे, वो चले जाएंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, बारिश में। तो देखो ये लाइन कहीं ना कहीं इन लोगों को एड्रेस्ड है जो गरीब लोग हैं, जिनको ऐसा लग रहा है कि हम तो बहुत गरीब हैं, और जिनका भगवान पे से विश्वास टूटता जा रहा है कि भगवान ने हमें किस स्थिति में कर दिया है, हमारे सामने तो हार्डशिप ही हार्डशिप है, हमारे सामने प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि उसने खुद ने कहा कि दे पीपल वर हाफ स्टार्व्ड एंड रैगेड पीपल, दे वर हाफ स्टार्व्ड एंड रैगेड पीपल ऑन अर्थ, वो बिल्कुल भूखे और बिल्कुल चिथड़े टुकड़े टुकड़े कपड़े में रहने वाले लोग हैं, बहुत पुअरली पेड हैं। तो वो लोग जो है हो सकता है इन हार्डशिप में प्रॉब्लम में उनका फेथ भगवान से डगमगा जाए। तो इस लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस में वो कहता है कि ये फियरफुल सेंट्स ड्रेड नॉट ऑफ क्लाउड्स, दीज क्लाउड्स आर बिग विथ मर्सी एंड विल डिसअपियर इन टू रेन। वो कह रहा है ये जो बादल हैं आपको डरावने लग सकते हैं, लेकिन ये क्या है, आगे जाके आपको बारिश देंगे। तो को ध्यान रखना, ये जो क्रिश्चियन ट्रेडिशन है, क्रिश्चियन ट्रेडिशन है, उसमें जनरली ये जो क्लाउड वर्ड है CLOUD क्लाउड, क्लाउड जो है अधिकतर नेगेटिविटी का सिंबल है। क्लाउड जो है नेगेटिविटी, क्लाउड जो है NEGATIVITY, ये जो क्लाउड जो है क्रिश्चियन ट्रेडिशन में जनरली नेगेटिविटी का सिंबल होता है। अब यदि कोई चीज नेगेटिविटी की सिंबल है, यदि कोई चीज नेगेटिविटी की सिंबल है, तो आप कह रहे हो कि भाई ये नेगेटिविटी है, लेकिन इसके पीछे क्या है, बारिश है, ब्लेसिंग्स है भगवान की, आप डरे नहीं, आपके सामने हार्डशिप हो सकती है। देखो मैंने आपको बताया क्रिश्चियन जो ट्रेडिशन है उसमें क्लाउड जनरली आप देखोगे पोइम्स में पढ़ोगे, वर्क्स में पढ़ोगे, तो क्लाउड है। क्लाउड किस चीज का सिंबल करता है कि भाई तूफान आएगा, स्टॉर्म, स्टॉर्म का सिंबल है, थंडर का सिंबल है, लाइटनिंग का सिंबल है। तो ये चीजें डरावनी होती है ना, तो इन चीजों से वो कह रहा है डरने की जरूरत नहीं है। फाइन, देखो आपने यदि शेक्सपियर का मैकबेथ पढ़ा होगा, तो उसमें जो थ्री विचेज है उसमें फर्स्ट विच कहती है वेयर शैल वी थ्री मीट अगेन, कहती है फर्स्ट विच कहती है वेयर शैल वी थ्री मीट अगेन, तो वो कहती है थंडर लाइटनिंग एंड रेन वेयर द हर्ली एंड बर्ली इज डन एंड द बैटल लॉस्ट एंड वन। तो कह रहे हम कहाँ मिलेंगे, तो कह रहे वेयर शैल वी थ्री मीट अगेन, तो कहता है इन थंडर लाइटनिंग एंड रेन। तो थंडर लाइटनिंग रेन क्लाउड, यहाँ पर राक्षसनी आपस में मिल रही हैं, तो एक तरीके से नेगेटिविटी का सिंबल होता है। तो वो इन लोगों को यही मैसेज देना चाह रहा है कि ये फियरफुल सेंट्स, अरे संतो आप डरे नहीं, ये बादल जो है आपके लिए क्या लेकर आएंगे, मर्सी लेकर आएंगे, ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे रेन के रूप में। तो ये इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखना उसका। फाइन, तो देखिए हम अपनी पोएम पे आते हैं डायरेक्ट, है ना। हमारी पोएम का नाम है लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस। ये पोएम का नाम है लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस।
तो देखिए सबसे पहले तो इसकी टाइटल के बारे में समझिए, लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस। पहली बात तो ये है कि ये जो टाइटल है ये बाइबल से लिया गया है। देखो तो हमें जो क्वेश्चन आता है या तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस एज अ रिलीजियस पोइम, या क्वेश्चन आता है लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस एज अ लिरिक, या फिर क्वेश्चन आता है राइट अ क्रिटिकल एप्रिशिएशन ऑफ कूपर्स पोइम लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस। ओके, आपको चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आए तो यदि आपने समझा हुआ अच्छी तरह से तो आपको कहीं याद करने और रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली इसका आंसर लिख सकते हो। तो देखो लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस जो है उसका टाइटल बाइबल से लिया गया है। बाइबल में जीसस क्राइस्ट ने एक बार कहा था, जीसस क्राइस्ट ने बाइबल में कहा था आई एम द लाइट, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आई एम द लाइट। उन्होंने कहा था आई एम द लाइट दैट शाइन्स इन डार्कनेस एंड द डार्कनेस कॉम्प्रीहेंड इट नॉट। तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जहां से कि इसका टाइटल लिया गया है। देखो बाइबल में जीसस क्राइस्ट ने कहा था कि आई एम द लाइट दैट शाइन्स SHINETH शाइन्स इन डार्कनेस एंड द डार्कनेस कॉम्प्रीहेंड इट नॉट। ओके, जीसस क्राइस्ट ने कहा था कि मैं ही प्रकाश हूं, यानी मैं ही होप हूं, मैं ही सब कुछ हूं। आई एम द लाइट, मैं प्रकाश हूं, मैं होप हूं, डेट शाइन इन डार्कनेस, जो अंधकार में भी चमकता हूं। इसका मतलब कितना भी अंधकार हो, कितनी भी हार्डशिप हो, कितनी भी परेशानियां हो, कितनी भी ट्रबल हो, उसने कहा जीसस का इसने कहा कि आई एम द होप, आई एम द लाइट। ओके, उन्होंने कहा कि कितनी भी अंधकार, कितनी भी निराशाएं, कितनी भी हार्डशिप, कितनी भी ट्रबल्स हो, ठीक है ना, आप अपना करेज रखें, साहस रखें। ओके, तो उन्होंने ये कहा आई एम द लाइट दैट शाइन्स इन डार्कनेस, मैं वह होपू, मैं वह प्रकाश हूं जो क्या है अंधकार में भी चमकता हूं। ओके, एंड द डार्कनेस कंप्रीहेंड इट नॉट, और अंधकार को ये पता नहीं है। इसका मतलब हार्डशिप वगैरह इनको पता नहीं है, उनको पता नहीं है कि मैं लाइट हूं, कितनी भी परेशानी में मैं लोगों के लिए एक उम्मीद हूं। ओके, तो यहां पर ये जो टाइटल लिया गया है ये बाइबल से लिया गया है। पहली बात आपको समझ में आई, ठीक है, ये टाइटल कहां से लिया गया है, बाइबल से लिया गया है। सेकेंड जो बात आपको समझनी है वो ये है, अब आपने देखा कि यहां पर जो वर्ड है लाइट, लाइट वर्ड जो है क्या है, मेटाफर है, मेटाफर है, किसका मेटाफर है, यानी कंपैरिजन है, क्राइस्ट कह सकते हो, होप कह सकते हो, नॉलेज कह सकते हो, मर्सी ग्रेस कह सकते हो, मर्सी ऑब्लिक ग्रेस ऑफ गॉड। यहां पर लाइट जो है प्रकाश, होप का सिंबल हो सकता है, नॉलेज का सिंबल हो सकता है, क्राइस्ट का सिंबल हो सकता है, मर्सी का सिंबल हो सकता है, ग्रेस का, कि मैं ही क्या हूं, नॉलेज हूं, मैं ही उम्मीद हूं, ठीक है ना, इस अंधकार में। ओके, इसका मतलब वो जीसस क्राइस्ट कहना चाह रहे हैं कि नो मैटर, ठीक है ना, इसका सेंस क्या है टाइटल का, उसका सेंस है नो मैटर हाउ हार्ड द डार्कनेस ट्राइज, no matter how hard the darkness tries it can't put out the light। देखो darkness कितनी भी कोशिश कर ले, no matter how hard the darkness tries, अंधकार hardship कितनी भी कोशिश कर ले वो उम्मीदों को रोक नहीं सकती। उम्मीदें फिर भी कितनी भी डार्कनेस हो, कितने भी डार्क क्लाउड हो, ठीक है ना, उनमें से एक प्रकाश की किरण आपको हमेशा दिखाई देगी। कितनी भी निराशा में हो, आपको कहीं ना कहीं कोई उम्मीद आशा की किरण जरूर दिखाई देगी। और वो कहता है कि वो आशा की किरण कौन है, क्राइस्ट हैं, जीसस क्राइस्ट हैं, जीसस क्राइस्ट की दया है, मर्सी है। तो उसका मतलब यही है, नो मैटर हाउ हार्ड द डार्कनेस ट्राइज, टाइटल का मतलब ये है, आपका जो लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस टाइटल है उसका मतलब ये है कि नो मैटर हाउ हार्ड द डार्कनेस ट्राइज, इससे कोई मतलब नहीं है, चाहे कितना भी डार्कनेस हो, कितनी भी हार्डशिप हो, लेकिन ये आपके लाइट जो है LIGHT, ये आपकी जो लाइट है, प्रकाश है, होप है,
ठीक है ना। जीसस क्राइस्ट की जो मर्सी है, ग्रेस है, उसको नहीं रोक सकती, वो आपके ऊपर हमेशा रहेगा। आपको पहचानने की जरूरत है, आपको होप करने की जरूरत है, आपको करेज रखने की जरूरत है, आपको जीसस क्राइस्ट में विश्वास करने की जरूरत है, आपको फेथ करने की जरूरत है इन गॉड, भगवान के अंदर। इज इट क्लियर? तो अब देखो इस पोएम के बारे में और हम देखें, अब इस पोएम के बारे में आप देखिए, जैसे आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन आती है तो उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें, इसका बैकग्राउंड समझ में आना चाहिए आपको क्या है। तो सबसे पहली बात, हम इस पोएम के बारे में बात करें तो देखो, पहली बात तो हम कहते हैं कि भाई ये पोएम लिरिक है, फाइन। अब लिरिक कैसे है, देखो आपको यही क्वेश्चन आ जाएगा कि पोएम लिरिक है तो लिरिक क्यों है ये पोएम। देखो लिरिक की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, लिरिक की पहली क्वालिटी तो होती है, लिरिक जो होता है शॉर्ट होता है, छोटी कविता, ठीक है ना। लिरिक की पहली विशेषता क्या होती है, ए शॉर्ट पोएम, लिरिक इज अ शॉर्ट पोएम। सी, अब ये जो पोएम है इट कंटेन्स 6 stanzas of 4 lines, ये पोएम जो है क्या है, इसमें 4 4 line के 6 stanzas हैं, यानी कितनी लाइन हो गई, 24 टोटल, इसमें 24 lines हैं। तो 24 lines मतलब छोटी कविता है, ज्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है। तो पहली कंडीशन पूरी हो रही है कि भाई ये शॉर्ट पोएम है, ओके। ये जो है शॉर्ट पोएम है क्यों, बिकॉज इट कंटेन्स 6 stanzas of 4 lines each, 4 4 line के जो है 6 stanza हैं, और 4 4 line के स्टेंजा को आप जानते हो क्वाट्रेंस भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा लिरिक की क्वालिटी होती है कि सिंगल इमोशन पूरी पोएम में जो है, सिंगल इमोशन होता है लिरिक की क्या क्वालिटी होती है, सिंगल इमोशन। तो इसमें एक ही इमोशन है, एक ही इमोशन है, वो यही कहना चाहे भगवान के अंदर फेथ, केवल एक ही इमोशन की बात कर रहा है शुरू से लेकर लास्ट तक। वो यही कह रहा है कि भगवान का कार्य करने का तरीका बड़ा अजीब होता है, हम सामान्य, वी ह्यूमन बीइंग, ओके, हम ह्यूमन बीइंग जो है कांट अंडरस्टैंड द वेज ऑफ गॉड, हम मानव प्राणी जो भगवान के तरीके मेथड्स को नहीं पहचान सकते, सो वी शुड नॉट एनालाइज, वी शुड नॉट ट्राई टू इंटरप्रेट द वेज ऑफ गॉड। इसलिए हमें भगवान के रास्तों को, भगवान के तरीकों को, भगवान के तौर तरीकों को समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और ना ही भगवान पर किसी तरीके का डिसबिलीव करना चाहिए। और कितनी भी हार्डशिप आ जाए, वी शुड ट्रस्ट इन गॉड, हमें भगवान के अंदर फेथ रखना चाहिए, ट्रस्ट रखना चाहिए, बिलीव रखना चाहिए। तो यही सिंगल इमोशन है जो पूरी पोएम में चलता है। तो लिरिक की पहली विशेषता होती है कि शॉर्ट होता है, और दूसरी विशेषता होती है एक सिंगल इमोशन होता है, एक सिंगल फीलिंग होती है, सिंगल इमोशन होता है, वही पूरी पोएम के अंदर चलता है। तो सिंगल इमोशन इज देयर। लिरिक की थर्ड क्वालिटी होती है, लिरिक जो होता है वो म्यूजिकल होता है, म्यूजिकल। अब म्यूजिक किसी भी पोएम में, म्यूजिक जो क्रिएट होता है, ठीक है ना, किसी भी पोएम में जो म्यूजिक क्रिएट होता है वो क्रिएट होता है किसकी वजह से, राइम की वजह से, RHYME, राइम की वजह से होता है, ठीक है। राइम स्कीम जैसे होता है ना, अभी ए बी, ये राइम स्कीम की वजह से क्रिएट होता है, एक मीटर की वजह से क्रिएट होता है, एक रिदम की वजह से क्रिएट होता है, इन इन चीजों की वजह से जो है पोएम के अंदर क्या होता है, म्यूजिक क्रिएट होता है। तो देखिए यदि आप इस पोएम को देखें तो इसकी एक डेफिनेट राइम स्कीम है, ABAB, केवल फर्स्ट और थर्ड लाइन को छोड़ दें, पूरी पोएम की फर्स्ट और थर्ड लाइन जो है वो राइम नहीं कर रही हैं, बाकी की सारी पूरी कंप्लीट पोएम जब आप पढ़ोगे तो इसकी राइम स्कीम होगी ABAB, ओके, और फर्स्ट और थर्ड लाइन जो है राइम नहीं कर रही हैं, फाइन। तो बाकी की राइम स्कीम है, आपने देखा इसमें राइम स्कीम है। दूसरा मीटर, अब देखिए इस पोएम को जब आप पढ़ेंगे तो ये पोएम जो है किस तरीके से लिखी गई है, इस पोएम में आयम्बिक टेट्रामीटर और फिर उसके बाद आयम्बिक ट्राइमीटर, ये पोइम जो है अल्टरनेटिवली, मतलब पहली लाइन आयम्बिक टेट्रामीटर में और दूसरी लाइन आयम्बिक ट्राइमीटर में, इस तरीके से लिखी गई है। आप यदि इस पोइम को देखेंगे, मैं टेक्स्ट बताऊंगा, तो देखो इसमें क्या हुआ है कि पहली लाइन जो आपको मिलेगी वो आयम्बिक टेट्रामीटर और दूसरी लाइन आयम्बिक ट्राइमीटर, इस तरीके से पूरी की पूरी पोएम लिखी गई है। तो मीटर है, तो मीटर है इसका मतलब म्यूजिकल है, तो लिरिक की एक कंडीशन पूरी हो गई। तो देखो लिरिक के लिए क्या होता है, शॉर्ट पोएम होती है नंबर वन, नंबर टू सिंगल इमोशन को व्यक्त किया जाता है वो भी है, म्यूजिकल है क्यों, क्योंकि इसमें राइम है, मीटर है और रिदम है, ठीक है। अब देखो ये आयम्बिक ट्राइमीटर, टेट्रामीटर और आयम्बिक ट्राइमीटर, ये हम अभी यहाँ पर डिटेल में नहीं पढ़ सकते, आप केवल इतना समझ लें
अभी देखो, यदि आप इसको डिटेल में जब मीटर के बारे में और इसके फोनेटिक्स के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसमें सॉरी मीटर के बारे में जो है हम इसके बारे में जब पढ़ते हैं जब उसमें अगले मीटर के बारे में समझने में आपको 2-3 क्लासेस की ज़रूरत होती है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता। आप अभी अपने लेवल पर ये समझ लीजिए कि आप ये मान लीजिए कि आयम्बिक, यदि आप ट्राई मीटर की बात कर रहे हो ठीक है ना, और आयम्बिक टेट्रा मीटर की बात कर रहे हो, टेट्रा का मतलब होता है 4, टेट्रा का मतलब होता है 4 फीट, और 4 फीट जिसमें कि 2-2 स्लेबल हो, तो टोटल मिलाकर हो गए 8 स्लेबल, और इसके अंदर हो गए 3 × 2 6 स्लेबल। देखिए समझिए, आयम्बिक ट्राई मीटर का मतलब है, ट्राई का मतलब होता है 4, यानी जिसके अंदर 4 फीट होंगे वो ट्राई हो गया, तो 1 फीट के अंदर आयम्बिक के 1 फीट के अंदर क्या होता है 4 जो है 8 स्लेबल, 1 फीट के अंदर 2 होते हैं तो 4 के अंदर 8 हो गए। आप एग्जाम्पल से समझिए, देखिए मैंने आपको एग्जाम्पल कहा गॉड moves in a mysterious way, his wonders to perform। देखिए आप आराम से समझिए इन चीजों को, मैंने कहा अभी मैंने आपको फर्स्ट और सेकेंड लाइन लिख दी है जिससे आपको समझ में आए। इस पोएम की फर्स्ट लाइन है गॉड मूव्स इन अ मिस्टीरियस वे हिज वंडर्स टू परफॉर्म। अब आपको ये समझना है कि भाई टेट्रामीटर क्या होता है, आपको ये समझना है कि टेट्रामीटर क्या होता है। तो टेट्रामीटर का मतलब हो गया आयमिक टेट्रामीटर है, तो मतलब उस लाइन में 8 स्लेबल हैं, इसका मतलब 8 स्लेबल। अब स्लेबल को आप मोटे तौर पर यह मान लीजिए वाउल साउंड, स्लेबल को आप मोटे तौर पर ये मान लीजिए वाउल साउंड, इसका मतलब यदि मैंने कहा आयम्बिक टेट्रामीटर तो 8 वाउल साउंड होंगी, और ट्राईमीटर का तो फिर 6 वाउल साउंड होंगी। इसका मतलब इस पोएम को आप पढ़ोगे तो पहली लाइन में 8 वाउल साउंड है, दूसरी में 6, फिर 8 वे 6, फिर 8 वे 6, तो एक निश्चित जो है मीटर का यूज़ हो रहा है, एक निश्चित सीक्वेंस है कि फर्स्ट लाइन में क्या होगा 8 वाउल साउंड, सेकेंड में क्या होगा 6 वाउल साउंड। तो इस यदि 8 वाउल साउंड है ठीक है तो उसे बोलेंगे क्या बोलेंगे आप टेट्रामीटर, और 6 हैं तो उसे क्या बोलेंगे ट्राईमीटर। केवल आयम्बिक में ही ऐसा होगा, ध्यान रखना, वो एक बहुत बड़ी कहानी है, आप अभी मोटे तौर पर समझ लो। मैंने आपको इसलिए लाइन लिख दी समझाने के लिए। देखो मैंने कहा गॉड देखो मैंने आपसे कहा गॉड तो एक वाउल साउंड क्या हो गया, एक वाउल साउंड हो गई गॉड, मूव्स एक वाउल साउंड हो गई मूव्स, मैं कह रहा हूँ लेटर पे नहीं जाना साउंड पे, मूव्स इन में एक वाउल साउंड, ए में एक वाउल साउंड, मिस टियर रियस, देखो मिस टियर रियस, तो देखो इसमें कितनी हो गई 3, मिस टियर रियस ठीक है ना। फिर उसके बाद हो गई देखो इसमें वे, वे में कितनी हो गई 1, तो आप देखो कितनी वाउल साउंड हो गई 1, 2, 3, 4, 4 और 3, 7 और ये हो गई 8, तो इसमें कितनी वाउल साउंड हो गई 8। यदि 8 वाउल साउंड हो गई और आयम्बिक है तो उसको हम बोलते हैं टेट्रामीटर, उसे क्या बोलते हैं टेट्रामीटर। अब इसमें देखो हिज वन ठीक है, उसके बाद वंडर्स वन ठीक है वन, और फिर कितने हो गए वंडर्स आई एम सॉरी 2 और परफॉर्म ये हो गई 2। तो देखो इसमें कितनी हो गई वंडर्स, 2 वाउल साउंड हो गई, इसमें वो 1 वाउल साउंड हो गई, इसमें 1 हो गई, इसमें 2 हो गई, तो कितनी हो गई 2, 3, 3 और 5 एंड 6, तो इसमें कितनी हो गई 6 वाउल साउंड, तो 6 वाउल साउंड हो गई मतलब ट्राईमीटर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये पोइम जो लिखी गई है किस तरीके से लिखी गई है, पहली लाइन आयम्बिक टेट्रामीटर, दूसरी आयम्बिक ट्राईमीटर ठीक है, और इस पोइम के अंदर 6 स्टैंजाज हैं और हर स्टैंजा जो है उसके अंदर 4 लाइंस हैं। इज इट क्लियर, आगे देखो। यदि इस पोइम के बारे में आगे यदि हम बात करें तो अब इस पोइम की लिटरेरी डिवाइसेस की बात करते हैं कि भाई इस पोइम में कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस यूज हो रही हैं ठीक है ना। पहली लिटरेरी डिवाइसेस में जो यूज हो रही है वो रही है एनस्ट्रॉफी, एनस्ट्रॉफी ANASTROPHE एनस्ट्रॉफी। एनस्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है, एनस्ट्रॉफी का मतलब होता है इनवर्शन
INVERSION, inversion of word order. इसका मतलब क्या होता है? इन्वर्शन ऑफ वर्ड ऑर्डर, यानी कि आप शब्दों के क्रम को चेंज को ऑर्डर को चेंज कर देते हो. इन्वर्शन, इन्वर्शन मतलब ऑर्डर चेंज करना, उल्टा पुल्टा वर्ड ऑर्डर को आप चेंज कर देते हो, उसे बोलते हैं एनास्ट्रोफी. जैसे देखो आपकी फर्स्ट स्टेंजा में ही है, गॉड मूव्स इन ए मिस्टीरियस वे, MYSTERIOUS, हिज वंडर्स टू परफॉर्म, His wonders to perform. देखो फर्स्ट लाइन जो है वो उसमें कहा है उसने, गॉड मूव्स इन अ मिस्टीरियस वे, भगवान जो है बड़े स्ट्रेंज तरीके से काम करता है. मिस्टीरियस मतलब स्ट्रेंज, वो कहता है भगवान का काम करने का तरीका बिल्कुल स्ट्रेंज है. His wonders to perform. अब देखो ये लाइन इस तरीके से होनी चाहिए थी कि गॉड मूव्स इन अ मिस्टीरियस वे, भगवान बहुत ही रहस्यमय तरीके से काम करता है. कैसे? टू परफॉर्म हिज वंडर्स, अपने वंडर्स को पूरा करने के लिए. तो ये लाइन इस तरीके से होनी चाहिए थी, टू परफॉर्म हिज वंडर्स. ये लाइन इस तरीके से होनी चाहिए थी. कैसे होनी चाहिए थी? गॉड मूव्स इन अ मिस्टीरियस वे टू परफॉर्म हिज वंडर्स, अपने वंडर्स को, अपने आश्चर्यजनक अद्भुत कामों को करने के लिए भगवान बड़े ही रहस्यमय तरीके से काम करता है. हमने क्या किया? शब्दों का क्रम चेंज कर दिया. हमने क्या किया? हिज वंडर्स जो है बाद में आना चाहिए था, उसको पहले कर दिया. तो आप जब वर्ड्स जो है उनका सीक्वेंस चेंज कर देते हो, ऑर्डर चेंज कर देते हो, तो उसे बोलते हैं एनास्ट्रोफी. तो इसमें किस कौन से लिटरेरी टर्म का यूज हो रहा है? एनास्ट्रोफी का यूज हो रहा है. ओके, यदि आप स्टैंजा नंबर 5 में जाएंगे तो वहां पर एक लाइन है, The bud may have a bitter taste. The bud may have a bitter taste, but sweet will be the flower. फिफ्थ स्टैंजा में ये लाइन है, द बर्ड मी हैव अ बिटर टेस्ट बट द स्वीट विल बी द फ्लावर. तो देखो द बर्ड मी हैव अ बिटर टेस्ट, जो कली है शुरुआत जो है वो कड़वी हो सकती है, फिर होना चाहिए था बट स्वीट, बट द फ्लावर विल बी स्वीट, लेकिन फूल हमेशा मीठा हुआ. क्या होना चाहिए था? ये लाइन होनी चाहिए थी, बट द फ्लावर विल बी स्वीट. ये इस तरीके से होना चाहिए था. तो आपने क्या किया? द फ्लावर विल बी स्वीट की जगह आपने क्या कह दिया? बट स्वीट विल बी द फ्लावर. तो आपने क्या किया? इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, और ऑर्डर चेंज कर दिया तो इसे क्या बोलते हैं? एनास्ट्रोफी. तो आपने देखा कि इस पोएम में कौन सी लिटरेरी डिवाइस का यूज हो रहा है? एनास्ट्रोफी का. फाइन, नेक्स्ट देखिए. दूसरा यदि हम इसमें फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रही है, मेटाफर. आप सब जानते हो मेटाफर क्या होता है. ओके, मेटाफर होता है कंपैरिजन बिटवीन टू डिस्टिंक्टली डिफरेंट थिंग्स विदाउट यूजिंग एज. दो चीजों के बीच में, अलग अलग चीजों के बीच में आप तुलना करते हो बिना लाइक और एज का प्रयोग करें. ठीक है, यदि आपको सिमिली मेटाफर पढ़ना है तो हमारी इन्हीं क्लासेस में तीन सिमिली और मेटाफर की तीन क्लासेस दी हुई हैं. तो आप उसमें प्लेलिस्ट में जाके देखें, उनको आपको नहीं आता है तो उनको अच्छी तरह से समझ लें सिमिली मेटाफर क्या होता है. देखो मेटाफर कैसे यूज हो रहा है. फर्स्ट तो देखो आपको पता है कि लाइट जो वर्ड है उसका कंपैरिजन किससे किया गया है. ठीक है, लाइट का जो कंपैरिजन है वो किया गया है क्राइस्ट से. लाइट का जो कंपैरिजन किया गया है वो ग्रेस से किया गया है. लाइट का होप से किया गया है. लाइट का कंपैरिजन नॉलेज से किया गया है. तो इन सब से कंपैरिजन किया है तो पहला मेटाफर तो ये हो गया. ठीक है, फिर देखो दूसरा, गॉड को जो और कंपेयर किया गया है, गॉड आप ऐसे लिख सकते हो. नेक्स्ट क्या है? कंपैरिजन ऑफ गॉड, गॉड का कंपैरिजन किया गया है टू माइनर, MINER. माइनर का मतलब जो खाद्यान्नों में, खाद में काम करने वाले श्रमिक जो होते हैं उनसे. ठीक है ना, तो वो कहता है डीप अनफैदम्ड माइंस ऑफ नेवर फेलिंग स्किल. वो कह रहा है कि जो गहरी गुफाओं में भी तुम काम कर सकते हो. तो भगवान को क्या बताया गया? एक माइनर, जो गहरी गुफा, गहरी खान जो हैं उनमें भी तुम काम कर सकते हो. इसका मतलब भगवान को क्या बताया? उसने एक माइनर बताया है. भगवान का कंपैरिजन किससे किया गया है? माइनर से. तो ये कंपैरिजन हो गया. ठीक है, फिर उसके बाद आपको पता है मर्सी, मर्सी एंड ब्लेसिंग्स. जो मर्सी और ब्लेसिंग्स हैं गॉड की, ठीक है ना, वो किससे कंपेयर की गई हैं? आर कंपेयर्ड
बताइए किससे कंपेयर की गई है, टू द रेन फ्रॉम ए क्लाउड। भगवान की जो दया है, भगवान के जो आशीर्वाद है, उनकी तुलना की गई है टू द रेन, बारिश से। कौन सी बारिश? जो बादलों में से निकल कर आती है। बादल आपको डरावने लग रहे हैं लेकिन उनमें से क्या आएगी? बारिश। तो ये बारिश का कंपैरिजन किससे किया गया है? बारिश का कंपैरिजन किया गया है मर्सी एंड ब्लेसिंग्स से। तो आपने देखा एनास्ट्रॉफी यूज हो रहा है, इन्वर्शन ऑफ वर्ड ऑर्डर। सेकेंड आपने देखा इसमें मेटाफर का यूज हो रहा है। मेटाफर कैसे? लाइट को क्राइस्ट से, गॉड को माइनर खादानों में काम करने वाले से, और भगवान की मर्सी और ब्लेसिंग्स को बारिश से तुलना की गई है। तो ये इसमें मेटाफर का यूज हो रहा है, ठीक है। एक थर्ड इसमें जो लिटरेरी टर्म यूज हो रही है वो रही है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है व्हेन टू ऑपोजिट वर्ड्स आर पुट टुगेदर। जब दो विपरीत शब्दों को आप एक साथ रख देते हो तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑक्सीमोरॉन। जैसे देखो इसमें यूज हो रहा है फ्रॉनिंग, एफ आर ओ डब्ल्यू एन आई एन जी, फ्रॉनिंग प्रोविडेंस, पी आर ओ वी आई डी ई एन सी ई। देखो फ्रॉनिंग का मतलब तो होता है एंग्री। फ्रॉनिंग का मतलब क्या होता है? फ्रॉनिंग का मतलब होता है एंग्री। और प्रोविडेंस, प्रोविडेंस का मतलब होता है आप कह सकते हो गॉड कह सकते हो, और फेट कह सकते हो, और फोर्स कह सकते हो। आप ऐसे कह सकते हो फेट और फोर्स ऑफ गॉड, फोर्स ऑफ गॉड दैट प्रोटेक्ट्स अस। देखो भाग्य या भगवान की वह शक्ति जो हमारी रक्षा करती है, ठीक है ना, उसे कहते हैं क्या? प्रोविडेंस। हिंदी में कह सकते हो मेहरबानियां, जैसे कह सकते हो भगवान की मेहरबानियां, दया। तो फेट, प्रोविडेंस का मतलब क्या? फेट, भाग्य कह सकते हो, अच्छा भाग्य बुरा नहीं, फेट या वो भगवान की शक्ति जो हमारी रक्षा करती है। हिंदी में आप कह सकते हो मेहरबानियां एक तरीके से। तो जब आप दो विपरीत शब्दों को एक साथ रखते हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उस जगह कौन सी लिटरेरी टर्म यूज होती है? ऑक्सीमोरॉन। जैसे देखो मैंने आपसे कहा फ्रॉनिंग प्रोविडेंस, जैसे मैंने आपसे कहा फ्रॉनिंग प्रोविडेंस, तो फ्रॉनिंग का मतलब एंग्री, गुस्से वाली मेहरबानियां। तो देखो जो मेहरबानियां होंगी वो गुस्से वाली नहीं हो सकती, और जो गुस्से वाली होंगी वो मेहरबानियां नहीं होंगी। बोथ आर ऑपोजिट वर्ड। जब आप दो ऑपोजिट वर्ड को, अब देखो इसका सेंस होता है, मीनिंग होता है, डेप्थ में मीनिंग होता है, उपमेय में पढ़ेंगे। तो आपने देखा कि दो ऑपोजिट वर्ड आपने एक साथ रख दिए, इसे कहते हैं क्या? ऑक्सीमोरॉन। देखो ऑक्सीमोरॉन बहुत, जैसे आप कहते हो डार्कनेस विजिबल, आप कहते हो वैंक्विस्ट विक्टर, ठीक है, आप कहते हो माइल्ड यॉक, ये सब क्या है? ऑक्सीमोरॉन। देखो डार्कनेस विजिबल, दिखाई देने वाला होगा वो अंधकार नहीं होगा, अंधकार होगा वो दिखाई देने वाला नहीं होगा, ठीक है, दोनों ऑपोजिट वर्ड हो गए। ये आपके मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में से है। वैंक्विस्ट विक्टर, वी एन क्यू आई एस एच ई डी डी वी आई सी टी ओ आर, वैंक्विस्ट का मतलब था हारा हुआ, विक्टर मतलब विजेता। जो विजेता होगा वो हारा हुआ नहीं होगा, हारा हुआ होगा वो विजेता नहीं होगा। तो दोनों ऑपोजिट वर्ड, दो ऑपोजिट वर्ड आपने एक साथ रख लिए, ठीक है ना। ये ड्राइडन की अलेक्जेंडर्स फीस द पावर ऑफ म्यूजिक की लाइन है। आपने कहा माइल्ड योग, ठीक है ना, तो माइल्ड योग जो है जॉन मिल्टन का ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस में से है। आप बहुत सारे हम जनरल लाइफ में भी ऐसे वर्ड यूज करते हैं ऑक्सीमोरॉन के, तो यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन यूज हो रहा है। ऑक्सीमोरॉन का मतलब यू पुट टू ऑपोजिट वर्ड टुगेदर, आप दो ऑपोजिट वर्ड को एक साथ रख देते हो, इसे कहते हैं कि आप ऑक्सीमोरॉन कहते हो, फाइन। तो आपने देखा इस पोएम के बारे में, जब हमने जनरल इंट्रोडक्शन लिया तो हम देखते हैं हमने क्या क्या चीज़ देखी। आप एक बार मैं रिकैप करा देता हूँ आपको, देखो जल्दी से। देखिए हमने पहली बात पढ़ी कि भाई इसका टाइटल बाइबल में से लिया गया है। बाइबल में जीसस क्राइस्ट ने कहा है कि आई एम द लाइट दैट शाइन्स इन डार्कनेस एंड द डार्कनेस कम्प्रीहेंड इट नॉट, और डार्कनेस को ये पता नहीं है, ठीक है। दूसरी बात हमने देखा कि भाई ये जो लाइट जो है वो मेटाफर है, किसका मेटाफर है? क्राइस्ट का, मर्सी का, ठीक है, नॉलेज का। और लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस का मीनिंग क्या है? इसका मतलब है कि चाहे कितना भी डार्कनेस आ जाए, डार्कनेस कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन प्रकाश को नहीं हटा सकता, प्रकाश की किरण फिर भी दिखाई देगी, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है, मैंने आपको बताया इस पोएम के बारे में, एक क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ये एक लिरिक है क्या, तो आप कहोगे हाँ लिरिक है। लिरिक क्यों? क्योंकि एक तो शॉर्ट पोएम है, सिंगल इमोशन को बताया है, दूसरा म्यूजिकल है। म्यूजिकल इसलिए क्योंकि इसमें राइम है, मीटर है और रिदम है। मैंने बताया आपको इसकी राइम स्कीम है ए बी ए बी, लाइन नंबर वन और थर्ड को छोड़ दो। इसके अलावा इसमें मीटर क्या है? इसकी फर्स्ट लाइन जो है एम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है, और सेकेंड लाइन जो है एम्बिक ट्राईमीटर में लिखी गई है, और इसी तरीके से पूरी की पूरी पोएम को लिखा गया है।
नेक्स्ट हमने कहा कि इसमें पोएम में एनास्ट्रॉफी का यूज हो रहा है। एनास्ट्रॉफी का मतलब होता है इन्वर्शन ऑफ वर्ड ऑर्डर, आप वर्ड ऑर्डर को चेंज कर देते हो। आपने फर्स्ट लाइन में देखा कि गॉड मूव्स इन अ मिस्टीरियस वे, ठीक है ना, फिर उसके बाद का इज वंडर्स टू परफॉर्म, लाइन कैसे होनी चाहिए थी, टू परफॉर्म इज वंडर्स। आप मेरे को मैंने बताया स्ट्रेंजर नंबर फिफ्थ में भी इसी तरीके की लाइन है। आपने कहा द बर्ड मे हैव अ बिटर टेस्ट बट द स्वीट विल बी द फ्लावर, तो होना चाहिए था बट द फ्लावर विल बी स्वीट। नेक्स्ट यदि हम आगे देखें तो मेटाफर यूज हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट किसका मेटाफर है, क्राइस्ट का, नॉलेज का। फिर उसके बाद गॉड की तुलना किससे की गई है, माइनर से, ठीक है। उसके बाद जो मर्सी और ब्लेसिंग्स की तुलना जो है किससे की गई है, वो रेन से की गई है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि भाई इसमें नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरॉन है, क्योंकि इसमें ऑक्सीमोरॉन इसलिए है क्योंकि इसमें एक शब्द यूज हो रहा है फ्रॉनिंग प्रोविडेंस। फ्रॉनिंग का मतलब एंग्री होता है, प्रोविडेंस का मतलब होता है फेट या फोर्स ऑफ गॉड दैट प्रोटेक्ट्स यू। तो इसका मतलब ये जो फ्रॉनिंग का मतलब एक तरीके से सेंस हो गया, पॉजिटिव वर्ड हो गया, मेहरबानियाँ हो गया। तो क्रोधित मेहरबानी नहीं हो सकती, मेहरबानी है तो क्रोधित नहीं होंगी, क्रोधित होंगी तो मेहरबानी नहीं होंगी, फाइन। यानी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बताए जो आपको काम आ सकते हैं, यदि आप किसी कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो डार्कनेस विजिबल, वैंकिस्ट विक्टर, माइल्ड योग। देखो ये जो मैं बता रहा हूँ ना एग्जाम्पल, ये इंटेंशनली यही पूछते हैं एग्जाम में, कंपिटेटिव एग्जाम में। मुझे 24 साल हो गए लिटरेचर पढ़ाते हुए और कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी कराते हुए, तो मुझे पता है वो ऑनलाइन में तो पहली बार है, ऑनलाइन तो अभी एक दो महीने ही हुए हैं, ऑफलाइन के बता रहा हूँ। तो मुझे पता है कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए हैं, और मैं खुद जो है सेकंड ग्रेड की एग्जाम क्वालिफाई की है, फिर फर्स्ट ग्रेड की किया है, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम क्वालिफाई की है, पीएचडी की है, नेट की है, कई बार सेट की है, तो मुझे पता है कि किस तरीके से चीज़ें पूछी जाती हैं। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि आपकी डिमांड थी लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस, तो उसमें हम ज़्यादा टाइम ले नहीं सकते क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है वो। और फिर मैं ये नहीं चाहता इसकी दो तीन क्लासेस बनाऊँ, मेरा टारगेट है कि एक ही क्लास में एक कंप्लीट हो जाए, ओके। लेकिन बहुत छोटा करते हुए, बहुत कम चीज़ें बताते हुए भी देखो वो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो तो बतानी ही होती हैं, अदरवाइज़ उसका कोई सेंस नहीं होता कि मैं आपको पोएम का ट्रांसलेशन करा दूँ। वो आप किसी भी बुक में, पासबुक में से आप देख सकते हो, उसका तो कोई महत्व नहीं होता, ठीक है ना। आपको खूब सारा मैटर आपको मिल जाएगा ऑनलाइन यदि वो चीज़ें, लेकिन वो चीज़ें कोई यूज़फुल नहीं होती, आप एक लिटरेचर के स्टूडेंट नहीं बन सकते आप, ठीक है। तो आगे देखिए फिर, अब हम इस पोएम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे आपको ऐसा रहा है कि पोएम के बारे में भी हमने देखा है, फाइन। तो देखो तो हम पोएम के बारे में आते हैं सीधे, आपकी पोएम का नाम है लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस। देखिए, और आपको और कोई भी पोएम की डिमांड हो, आप चाहते हैं कि सर हमें ये पोएम पढ़ा दें, कोई सी भी जो आपको डिफिकल्ट लगती हो, जो टॉपिक आपको ऐसा लगता हो कि इसमें परेशानी है, उसको इतना सिंप्लीफाइड कर दूंगा कि आप भूलोगे नहीं कभी। आपको जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो लिटरेचर से रिलेटेड, ठीक है ना, ग्रामर की तो हमारी सीरीज चल ही रही है, तो आप आराम से मेरे को मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर, ठीक है। और आपकी जो भी पोएम में, किसी भी चीज़ में, किसी भी, आप चाहे एमए का सिलेबस हो, बीए का हो, नेट का, किसी भी चीज़ आपको प्रॉब्लम लगे आप मेरे को बता सकते हो, तो मैं आप कोशिश करूँगा कि आपको उस चैप्टर को क्लियर कराऊँ। तो आप एक बार शॉर्ट में इसको पढ़ लेते हैं, लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस। मैंने आपको बताया था लाइट का मतलब होप, ठीक है ना। जितनी भी डार्कनेस हो, कितना भी अंधकार हो, कितनी भी हार्डशिप हो, देयर इज ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग, हमेशा कोई ना कोई एक चमकती किरण जरूर होती है, आशा जरूर होती है। देखो मैंने आपको बताया था, आप इनको देखो, मैंने आपको बताया था कि ये जो पोईम जो है किस तरीके से लिखी गई है, कि पहली लाइन तो आयम्बिक टेट्रामीटर है, फिर ट्राईमीटर, यानी पहली लाइन में आठ लेवल, आठ वाउल साउंड, दूसरी में छः, आठ छः आठ छः आठ, तो क्या होगा, आठ वाली लाइन लंबी हो जाएगी और छः वाली छोटी हो जाएगी। तो लाइन को गौर करो, देखो ये लंबी फिर छोटी, लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट, ठीक है। तो आपको अब ध्यान रहेगा, फाइन। फिर देखो मैंने कहा गॉड मूव्स इन अ मिस्ट्री, मैं एक बार शॉर्ट में इसको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, गॉड मूव्स इन अ मिस्टीरियस वे, भगवान जो है वो क्या करता है, बड़ी रहस्यमयी तरीके से काम करता है। मिस्टीरियस मतलब स्ट्रेंज, इज वंडर्स टू परफॉर्म, और इसके उसके द्वारा वंडरफुल वर्क किए जाते हैं, वंडर्स मतलब वंडरफुल वर्क, भगवान बहुत ही मिस्टीरियस वे में काम करता है और उसके द्वारा वंडरफुल वर्क किए जाते हैं। और वो कह रहा है ही इज कैपेबल टू प्लांट हिज फुटस्टेप इन द सी, और वो इस ऐसा है कि अपने पैरों को सी में भी रख सकता है, इसका मतलब वो पैर को समुद्र में भी रख सकता है, एंड ही कैन इवन कंट्रोल द स्टॉर्म्स, और वो तूफानों को भी नियंत्रित कर सकता है। राइड अपॉन का मतलब है आप जैसे घोड़े पर सवारी करते हो तो क्या करते हो, घोड़े को कंट्रोल करते हो, इट मीन्स आप उसको कंट्रोल करते हो, इट मीन्स ही कैन वॉक ऑन सी, वह समुद्र पर चल सकता है, एंड ही कैन कंट्रोल स्टॉर्म्स, और तूफानों को भी कंट्रोल कर सकता है। इट मीन्स एवरीथिंग इज पॉसिबल, गॉड के लिए हर चीज़ पॉसिबल है, और उसका कार करने काम करने का तरीका बड़ा स्ट्रेंज है। फिर नेक्स्ट में वो कहता है डीप
इन अनफैदमेबल माइंड्स, अनफैदमेबल का मतलब होता है दैट कांट बी मेजर्ड, जिसे नापा ना जा सके, इतनी गहरी जिसकी कोई सीमा ही नहीं हो, मैं कितनी दूरी का, दूरी में तो नाप ही नहीं सकती। तो गहरी और नहीं नापे जाने वाली माइंड्स, माइंड्स का मतलब खानों में भी जो है, मतलब बहुत गहरी गहरी जगह जहाँ बहुत बड़ी बड़ी खाने हैं, जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता, अच्छा अच्छा श्रमिक नहीं पहुँच सकता, वहाँ पर भी उसकी जो क्षमताएँ काम करती हैं। आप देखते हो, आप कहते हो कोई बच्चा ट्यूबवेल में गिर गया और ये कर गया, बचा नहीं और फिर बच जाता है, तो भगवान की यदि मेहरबानी हो तो भगवान वहाँ पर भी काम कर सकता है, ठीक है। तो भगवान की तुलना किससे की है? माइनर से। मैंने आपको बताया ना, खान में काम करने वाला, तो मैंने कहा था मेटाफर का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो डीप इन अनफैदमेबल माइंड्स ऑफ नेवर, देखो मुझे बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि टाइम की वजह से, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। तो डीप इन अनफैदमेबल माइंड्स ऑफ नेवर फेलिंग स्किल, कितनी भी गहरी गुफाओं में भी उसकी स्किल, उसकी टैलेंट, उसकी एबिलिटी जो है फेल नहीं होती, ही ट्रेजर्स अप हिज ब्राइट डिजाइन एंड वर्क इन हिज सॉवरेन विल। ही ट्रेजर्स अप हिज ब्राइट डिजाइन, मतलब यूजफुल वर्क्स, यूजफुल प्लानिंग्स, वो अपनी यूजफुल प्लानिंग्स को छुपा के रखता है। एंड ही वर्क्स बाय हिज ओन विल, और अपनी खुद की इच्छा से ही काम करता है, ठीक है। नोबडी कैन डिक्टेट हिम, कोई भी उसे कह नहीं सकता कि निर्देश नहीं कर सकता। नोबडी कैन इंस्ट्रक्ट हिम, ठीक है ना, नोबडी कैन फोर्स हिम टू डू सो, भगवान को कोई बाध्य नहीं कर सकता, वह तो अपनी इच्छा से ही काम करता है और अपने जो विचार हैं उनको छुपा कर रखता है। देखो, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि वो जो गरीब लोग हैं वहाँ, उन लोगों के लिए मैसेज है कि ईव फियरफुल सेंड फ्रेश करेज टेक। उसने कहा कि अरे संतो, अरे गरीबो, अरे जो भी लोग हो, एक नया साहस रखो। द क्लाउड्स, क्लाउड्स मैंने आपको बताया था हमेशा किसका, नेगेटिविटी का सिंबल होता है। तो करा ये हार्डशिप जो है आपको बहुत डरावनी लगेंगी, ये जो सामने बादल दिख रहे हैं, ये बादल जो है थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग से भरे हुए हैं, लेकिन फ्रेश करेज टेक, यू शुड हैव द करेज, आपको साहस रखना चाहिए। एंड यू शुड फेथ इन गॉड, बिकॉज बिहाइंड दीज डार्क क्लाउड्स देयर इज द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, एंड ब्लेसिंग विल बी ऑन यू, एंड दीज क्लाउड्स विल डिसअपियर इन द फॉर्म ऑफ रेन, इन द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग, इन द फॉर्म ऑफ मर्सी। तो उन्होंने कहा कि क्लाउड्स ही सो मच ड्रेड, ये बादल बहुत डरावने नजर आ रहे हैं, बिग विथ मर्सी, बिग मतलब फुल, लेकिन ये दया से भरे हुए हैं, एंड शैल ब्रेक, ब्रेक मतलब डिसअपियर, और ये गायब हो जाएंगे। किसके रूप में गायब हो जाएंगे? ब्लेसिंग्स के रूप में गायब हो जाएंगे। किसके रूप में गायब हो जाएंगे? तो भगवान, यहाँ जो बारिश है उसका कंपेरिजन किससे किया है? ब्लेसिंग्स से। तो फिर मेटाफर, फिर नेक्स्ट देखो, जज नॉट लॉर्ड बाय फीबल सेंस। उसने कहा भगवान का निर्णय मत लो फीबल सेंस से। फीबल मतलब बहुत वीक अंडरस्टैंडिंग। वी ह्यूमन बींग हैव द वेरी वीक अंडरस्टैंडिंग, हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत वीक है। वी कांट कॉम्प्रीहेंड गॉड्स वर्क, हम भगवान के कार्यों को समझ ही नहीं सकते। तो वी शुड नॉट डज, बिकॉज हिज वे इज वेरी मिस्टीरियस, हिज वे इज वेरी स्ट्रेंज, उसका काम करने का तरीका बहुत ही स्ट्रेंज है, मिस्टीरियस है। सो वी शुड नॉट एनालाइज द वर्क्स ऑफ गॉड, हमें भगवान के कार्यों का एनालाइज नहीं करना चाहिए। तो जज नॉट द लॉर्ड, भगवान का जजमेंट मत करो बाय फीबल सेंस, वीक सेंस से, वीक अंडरस्टैंडिंग से, बट ट्रस्ट हिम फॉर हिज ग्रेस, और विश्वास करो कि उसकी ग्रेस पर, कि क्लाउड जो है, ये जो क्लाउड्स हैं इनके पीछे एक सिल्वर लाइनिंग है, ठीक है ना। ये लाइट जो है इन बादलों में से कहीं ना कहीं, इन हार्डशिप में से के पीछे भगवान की ब्लेसिंग्स और ग्रेस है। बिहाइंड द फ्रॉनिंग प्रोविडेंस, देखो ये आ गया ऑक्सीमोरन, मैंने बताया ना ऑक्सीमोरन, फ्रॉनिंग का मतलब एंग्री, प्रोविडेंस का मतलब मेहरबानी है, उसकी जो क्रोधित मेहरबानियाँ है, क्रोधित उसका जो भाग्य है, उसके पीछे वो मुस्कुराता चेहरा नजर आता है। आपको बाहर से तो ऐसा लगेगा बड़ा क्रोधित है, बादल बहुत घनघोर डरावने, लेकिन पीछे वो ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं, बारिश लेकर आ रहे हैं। तो उसका जो एंग्री गुस्से वाली मेहरबानियाँ हैं, तो वो कह रहा है कि उनके पीछे क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, ब्लेसिंग्स छुपी हुई हैं। इन पर्पस विल राइपन फास्ट अनफोल्डिंग एवरी आवर, वो हम कहते हैं अच्छा तो ऐसा इसलिए था, हाँ भाई भगवान जो करता है सही करता है, ये ना ये जो कहा, तो वो जो कुछ भी करता है वो आपको थोड़े दिन बाद पता लग जाएगा, उसके जो पर्पज़ हैं बहुत जल्दी राइप हो जाते हैं, और रिवील, अनफोल्डिंग मतलब रिवील होना, और हर समय रिवील होते रहते हैं। द बर्ड मे हैव अ बिटर टेस्ट, इंपॉर्टेंट लाइन है, बट द स्वीट विल बी द फ्लावर। मैंने आपको बताया था एनास्ट्रॉफी का यूज़ हो रहा है। देखो, बर्ड मे हैव अ बिटर टेस्ट कैसे होना चाहिए था, बर्ड मे हैव अ बिटर टेस्ट बट द फ्लावर विल बी स्वीट, लेकिन फूल हमेशा मीठा होगा। वो कह रहा है द बिगिनिंग ऑफ एनी थिंग मे बी बिटर, किसी भी चीज़ की शुरुआत, बर्ड कली होती है, कली मतलब शुरुआत, किसी भी चीज़ की शुरुआत जो है वो बहुत कड़वी हो सकती है, बेकार हो सकती है, ठीक है ना। शुरुआत में आपको परेशानियां आ सकती है, यू मे फील सम हार्डशिप इन द बिगिनिंग वाइल यू ट्रस्ट इन गॉड, बट डेफिनेटली द लास्ट विल बी
विथ यू, लास्ट आपके साथ ही होगा और लास्ट जो होगा वो हमेशा मीठा ही होगा, रिजल्ट जो है परिणाम हमेशा अच्छा होगा। बिगनिंग में भी डिफिकल्ट, बिगनिंग में भी बिटर, इन द बिगनिंग यू मे हैव सम बिटरनेस, बिगनिंग यू मे फेस सम डिफिकल्टीज एंड हार्डशिप, बट द रिजल्ट विल बी डेफिनेटली स्वीट, लेकिन परिणाम हमेशा मीठा ही होगा। फिर वो कहता है ब्लाइंड अनबिलीफ इज अ श्योर टू अ, ई डबल आर अ का मतलब होता है मिस्टेक। आप भगवान पर यदि अंधा अविश्वास कर रहे हो, यानी बिना सोचे समझे अविश्वास कर रहे हो, दिस इज द ब्लंडर, दिस इज अ बिग मिस्टेक, ये बहुत बड़ी गलती है। बिकॉज आप भगवान को इंटरप्रेट करने की कोशिश मत करो, आप भगवान की व्याख्या करने की कोशिश मत करो, बिकॉज गॉड इज हिज ओन इंटरप्रेटर। वो कह रहा है गॉड जो है, भगवान जो है, खुद को खुद समझाने वाला है, खुद ही समझाएगा हर चीज को। आप ये मत करो कि भगवान हमें इसको समझा दो, आप ऐसा कोशिश ना करो, यू जस्ट स्टैंड एंड वेट। आपको तो स्टैंड एंड वेट करना है, आप खड़े रहो और इंतजार करो भगवान के आदेश का। तो वो ये कह रहा है गॉड इज His own interpreter, भगवान जो है खुद को खुद व्याख्या करने वाला है, and he will make it plain, और वह इन सारी चीज़ों को क्लियर कर देगा। देखो मैंने आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन करा दिया, इसके पोइम के बारे में आपको थोड़ा बहुत इससे आइडिया आ गया होगा। फिर कभी जो नेक्स्ट क्लास यदि हम लेंगे, है ना, तो आपको इसका पोएम का जो डिफरेंट तरीके से इंटरप्रिटेशन है तो उसको कराएंगे, कि उसके अकेले इंटरप्रिटेशन के लिए एक दो घंटे की क्लास चाहिए। तो जब और जब हम इसके बाद नेक्स्ट कोई क्लास लेंगे लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस की, तो इसके और जो इंटरप्रिटेशंस हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आपने कहा था बहुत सारे बच्चों की लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस के लिए, तो मैंने आपको उसके बारे में करा दिया। तो आपकी और भी किसी स्टूडेंट की किसी भी तरीके की किसी पोएम से रिलेटेड या किसी भी लिटरेचर के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरीज हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं और इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बता सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो जो भी आपकी हैं तो उनको कराने की कोशिश करूँ, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपको पढ़ा तो आपको ये जो बी ए में एग्ज़ाम में आता है इसका क्वेश्चन, तो इससे शायद आपको कुछ हेल्प मिलेगी, और आपको इससे कुछ हेल्प मिलती है और आपके इस क्लास को लेने के बाद कुछ नंबर अच्छे आते हैं तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। ओके, थैंक यू।